नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जम्मू कश्मीर की बेटियों, बहुओं और दामादों को अब बड़ी सौगात मिली है। अब तक वहां से ब्याह कर जाने वाली या वहां ब्याह कर आने वाली लड़कियों के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, ना ही वहां किसी लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति को वहां का दामाद कहा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक अब अगर दूसरे राज्यों के किसी महिला पुरुष से शादी करते हैं तो उनके जीवन साथी को भी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा। यह फैसला जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल ने लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नियमों में सातवां क्लॉज जोड़ दिया है। यह सातवां क्लॉज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रयोग कर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 की धारा 15 के तहत जोड़ा गया है। सातवें क्लॉज में स्पाउस ऑफ डोमिसाइल की श्रेणी जोड़ी गई है। इसमें ना तो पति और ना ही पत्नी का जिक्र है, यानी नियमों में संशोधन का फायदा दामाद हो या फिर बहू, दोनों को मिलेगा। आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अपने जीवन साथी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और विवाह प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। इसके बाद तहसीलदार की ओर से आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले नियम यह था कि 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहने और अपनी सेवाएं देने पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल हो रहा था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद भी वहां की बहू बेटियों को डोमिसाइल के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब जो बदलाव हुआ है उससे सिर्फ वहां से जाने और शादी कर वहां आने वाली लड़कियों को ही नहीं बल्कि उनके पति को भी काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज पर।